हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल या उसकी आगे वेरिएशन की बात करें तो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और ये ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से विद एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से इसके रूल्स हैं। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में व्हाट इज द टाइम स्टैम्प, क्योंकि यहां पे मेन जो फंडा है वो है टाइम स्टैम्प से रिलेटेड। टाइम स्टैम्प एक्चुअल में है क्या? इट इज अ यूनिक वैल्यू असाइन टू एवरी ट्रांजेक्शन। हम एक यूनिक वैल्यू ट्रांजेक्शन को असाइन कर रहे हैं जब वो सिस्टम के अंदर एंटर करता है, मतलब जब वो सिस्टम में आ गया। सिस्टम में आते ही हमने उसको एक यूनिक वैल्यू, एक रैंडम वैल्यू हमने उसको असाइन करनी है। इससे हमें मिलेगा क्या, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, इसका बेनिफिट क्या है? इट टेल्स द ऑर्डर व्हेन दे एंटर इनटू द सिस्टम। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ऑर्डर पता लग रहा है कि कब कोई ट्रांजेक्शन सिस्टम के अंदर आई। लेट्स सपोज मैं अगर यहां पर लिखता हूं ट्रांजेक्शन T1, और ट्रांजेक्शन T1 लेट्स से कि 10 बजे सिस्टम में आई। अब 10 बजते ही जैसे वो सिस्टम में आई तो मैंने इसको एक यूनिक वैल्यू, एक टाइम स्टैम्प दे दिया। लेट्स से मैंने इसको टाइम स्टैम्प दिया 100। आप कुछ भी दे सकते हो, 1, 2, 3, 10, 20, व्हाटएवर वैल्यू यू वांट टू गिव, यूनिक होनी चाहिए। अब 10 बज के लेट्स से 10 मिनट पे, मतलब 10 मिनट बाद T2 ट्रांजेक्शन आई। अब जैसे ही T2 ट्रांजेक्शन आई मैंने उसको टाइम स्टैम्प क्या देना है, लार्जर टाइम स्टैम्प देना है। लार्जर टाइम स्टैम्प में आप 101 भी दे सकते हो, 102 भी दे सकते हो, 200 दे दो, 1000 दे दो, व्हाटएवर वैल्यू यू वांट टू गिव। इससे मेरे को पता क्या लगा, इससे मेरे को पता लगा कि T1 पहले आई। मैंने टाइम स्टैम्प को देखना है, हम टाइम को यहां पे यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं किसको, टाइम स्टैम्प को। तो टाइम स्टैम्प मेरे को यहां पे क्या बता रहा है कि T1 का टाइम स्टैम्प क्या है, कम। इसका मतलब है कि T1 है ओल्डर, T2 है यंगर। इससे आपको सबसे पहले तो यह पता लगेगा, तब जाके आप डिटेल में पता लगाओगे, पहले बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो T1 ओल्डर है, T2 यंगर है। तो जो ट्रांजेक्शन बाद में आई हम उसको एक लार्जर टाइम स्टैम्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन में कई बार ऐसे इसको उल्टे तरीके से भी दे सकते हैं, तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम हम यही फंडा यूज करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन पहले आई हमने उसको एक वैल्यू दे दी, जो बाद में आई हमने उसको एक लार्जर वैल्यू दे दी, और लार्जर वैल्यू से मेरे को ये पता लगेगा कि ओल्डर कौन सी है, यंगर कौन सी है। लेट्स से T3 आई 10 बज के 15 मिनट पे, तो मैंने क्या देना है, T3 को एक नई वैल्यू दे देनी है, लेट्स से 300 दे दी। अब आप कह सकते हो कि यंगेस्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है, यंगेस्ट ट्रांजेक्शन है T3। तो इस तरीके से हम पहली बात तो ये पता लगाते हैं टाइम स्टैम्प से। दूसरा, यहां पे हम बात करते हैं 3 टाइम्स की। सबसे पहले टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन, टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन हम डिनोट करते हैं ऐसे, TS ऑफ TI। TI मतलब T1 है, T2 है, T3 है, कुछ भी, जो भी आप ट्रांजेक्शन का नंबर ले रहे हो। और TS क्या है, टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन। जैसे हमने यहां पे 100, 200, 300 दिया, मतलब टाइम स्टैम्प ऑफ T1 कितना है 100, टाइम स्टैम्प ऑफ T2 कितना है 200। इस तरीके से हम पहला टाइम डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम। दूसरा टाइम क्या है, रीड टाइम स्टैम्प, दैट इज RTS। रीड टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना, लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर विच परफॉर्म द रीड सक्सेसफुली, या आप कह सकते हो कि लेटेस्ट ट्रांजेक्शन विच हैज परफॉर्म द रीड सक्सेसफुली, उसको बोलते हैं हम रीड टाइम स्टैम्प। जैसे लेट्स सपोज T1 है, T2 ट्रांजेक्शन है, T3 ट्रांजेक्शन है, 3 ट्रांजेक्शन हम लेते हैं। लेट्स से T1 का टाइम स्टैम्प 10, 20, 30, तो यंगर कौन सी है, मतलब यंगेस्ट कौन सी है ये, ओल्डेस्ट कौन सी है ये, आपको इसको देखते ही पता लग गया। अब लेट्स से मैं लिखता हूं यहां पे रीड ऑफ ए, रीड ऑफ ए, रीड ऑफ ए, कुछ भी, कैसे भी आप किसी भी तरीके से लिखते हो। अब यहां पे देखो T1 ने रीड किया सबसे पहले, आपको पता लग रहा है यहां पे कि सबसे पहले T1 ने, फिर T2 ने, फिर T3 ने। तो यहां पे रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए, अगर हम रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए निकालना चाहें तो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले किसने किया रीड, T1 ने, फिर किसने किया, T2 ने, लास्ट में किसने किया, T3 ने। जिसने भी लास्ट में रीड किया ना उसको आप कहोगे, या लेटेस्ट अगर हम बात करें जिसने अभी अभी रीड किया है उसको हम बोलते हैं रीड टाइम स्टैम्प। तो किसने किया अभी अभी रीड, T3 ने। तो T3 का टाइम स्टैम्प क्या है, 30।
30. तो हमने रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए कितना कर दिया 30. बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो याद रखना, ए हो चाहे बी हो सी हो, सब वेरिएबल्स का हम अपना अपना आरटीएस डब्ल्यूटीएस फाइंड करते हैं. तो WTS क्या है? सेम फंड है, लेकिन लास्ट ट्रांजेक्शन या लेटेस्ट ट्रांजेक्शन जिसने अभी अभी राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया सक्सेसफुली, वो हो गया आपका राइट टाइम स्टैम्प. जैसे लेट्स सपोज T1 है, T2 है, T3. अब लेट्स से T1 ने सबसे पहले राइट किया, उसके बाद लेट्स से T3 ने राइट किया, और फिर लेट्स से T2 ने राइट किया. इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, एक शेड्यूल दिया हुआ है. अब लेट्स से T1 का टाइम स्टैम्प है 10, इसका ले लो आप 20, इसका ले लो आप 30. अब यहां पे राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए अगर आपको लिखना हो, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए, तो कैसे लिखोगे? किसने अभी अभी लेटेस्ट, मतलब सबसे लास्ट में किसने किया? इसने सबसे पहले किया 10, नहीं, इसने उसके बाद किया 20, तो किसी टाइम पे 20 भी होगा, 30 भी होगा, लेकिन अभी अभी किसने किया, लेटेस्ट किसने किया है? लेटेस्ट किया है T2 ने. तो T2 का टाइम स्टैम्प कितना है? 20. तो WTS ऑफ A कितना हो जाएगा? 20. बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे ये पॉइंट्स आपको यूज करने हैं. तो इसीलिए ये तीन टाइम, री टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प और टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये तीनों आपको पता होने चाहिए. तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आते हैं रूल्स पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में. बेसिक टाइम स्टैम्प में हमारे पास दो रूल्स है कि जब ट्रांजेक्शन रीड करती है, राइट करती है, तो हमने क्या करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं इससे. सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा. सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे, लेट्स से कि अगर टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये याद रखना कि जो ट्रांजेक्शन पहले आई है वही ट्रांजेक्शन पहले कंप्लीट होगी. हम हमेशा ये चीज मान के चलते हैं कि जो ट्रांजेक्शन पहले आई है वही पहले कंप्लीट होगी, मतलब ओल्डर को हमने काइंड ऑफ प्रायोरिटी देनी है कि ओल्डर पहले आई तो वही पहले कंप्लीट होगी. तो लेट्स से कि अगर मैं दो ट्रांजेक्शन ले लूं, T1 T2, और T1 का टाइम स्टैम्प है 100, T2 का टाइम स्टैम्प ले लो 200. अब अगर हम यहां पे बात करें, तो मैं इसको कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैं T3 को यहां से रिमूव कर देता हूं, ये टाइम भी मैं यहां से हटा देता हूं. तो मैं सिंपल सा पॉइंट यहां पे ले रहा हूं कि T1 का टाइम स्टैम्प मैं यहां पे ले रहा हूं 100, और T2 का टाइम स्टैम्प मैंने यहां पे लिया है 200. तो कौन सी ओल्डर है? ये ओल्ड वाली है, ये यंग है. आपको पता लग गया. अब लेट्स से कि T1 ने रीड ऑफ ए किया, T1 ने रीड ऑफ ए किया, और उसके बाद T2 wants to do the right of A, मतलब T2 ने right of A करना है. T1 ने पहले read of A किया, T2 ने right of A करना है, तो हम इसको allow करेंगे. क्यों? हम क्या कह रहे हैं कि जो transaction पहले आई हम उसको ही क्या दे रहे हैं? Priority दे रहे हैं. तो कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम, although ये conflict है read write, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इसको बोल रहे हैं कि ये राइट कर रही है लेकिन ये यंगर है, बाद में आई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे ही राइट ऑफ ए अगर हम करते हैं, लेट्स से कि अगर मैं इसको हटा दूं, राइट ऑफ ए अगर T1 ने किया और उसके बाद T2 ने रीड ऑफ ए किया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको चलने दो, क्योंकि हम प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको? ओल्ड वाले को. और थर्ड केस अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो थर्ड केस क्या बना? राइट ऑफ ए. राइट ऑफ ए इसने पहले किया, उसके बाद यंगर राइट ऑफ ए करना चाहती है, करने दो, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है. और रीड रीड चौथा केस वो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर किसके होते हैं? रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट. तो रीड रीड में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, तो उस केस को हम कंसिडर ही नहीं करते. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो मैंने यहां पे रूल्स में लिखे हैं. अगर T1 ने पहले रीड ऑफ ए किया और T2 बाद में आके उसको, सॉरी, T2 ने पहले रीड ऑफ ए किया, T1 आई और वो राइट कर रही है वैल्यू को, तो देखो यहां पे मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा. ये पॉइंट बोल रहा है वो कि T2 ने रीड ऑफ ए कर लिया, अब T1 कहती है कि मेरे को राइट करना है. तो ये रूल पे आओ, ट्रांजेक्शन T2 वॉन्ट्स टू डू द राइट ऑफ ए, क्योंकि T2 की हम बात कर रहे हैं, T2 अब आई है, तो T2 लेट्स से ये ट्रांजेक्शन बाद में आई है, सॉरी ये ट्रांजेक्शन पहले आई है लेकिन ये ट्रांजेक्शन का ऑपरेशन बाद में है, T1 बाद में कर रही है राइट ऑफ ए, तो T1 वांट टू डू द राइट ऑफ ए. तो हमने क्या चेक करना है? रीड टाइम स्टैम्प एंड राइट टाइम स्टैम्प दोनों चेक करने हैं. और इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये यही पॉइंट बता रहा है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन ने लेटेस्ट
ये ट्रांजेक्शन कौन सी है लेटेस्ट, इसने अगर रीड की है और कोई पहले वाली ट्रांजेक्शन राइट करना चाहती है हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्रांजेक्शन पहले आई है तो यही पहले कंप्लीट होगी, और अगर ये पहले कंप्लीट हो गई, इसने राइट करके डेटाबेस में चली गई और इसने अगर अपडेट कर दिया तो ये वैल्यू तो रीड जो करके बैठे ये तो गलत वैल्यू होगी, क्योंकि इसने रीड जो किया, लेट्स से इसने अगर 10 रीड किया और ये वैल्यू राइट करके लेट्स से 20 राइट करके कमिट हो गई, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, ये हमेशा याद रखना कि जो ट्रांजेक्शन पहले आई है वही हम पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अगर ये कंप्लीट हो गई तो इसने डेटाबेस में क्या कर देना, 20, तो 10 वैल्यू ये कौन सी रीड करके बैठी है, ये वैल्यू रॉन्ग है, तो इस वैल्यू को हमने क्या करना है, होने नहीं देना। तो मतलब राइट अगर ये परफॉर्म करेगी ना, हम इसको क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे, T1 को हम क्या कर देंगे, रोल बैक। सेकंड केस, T1 T2 सेम केस है, 100 200, कौन सी ओल्डर है, ये ओल्डर है, ये यंगर है। सेकंड केस है राइट ऑफ ए रीड ऑफ ए, मतलब T2 ने ऑलरेडी राइट कर दिया, T1 आई, T1 कहती मेरे को रीड करना है, तो कौन सा रूल चलेगा, ये वाला रूल चलेगा, T1 कहती कि मेरे को रीड ऑफ ए करना है, तो हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि रीड का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होता है, राइट के साथ, तो हम राइट चेक करेंगे और राइट टाइम स्टैम्प ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि राइट टाइम स्टैम्प अभी भी किसने राइट किया है, T2 ने, और T2 का टाइम स्टैम्प ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यंगर ने अभी अभी राइट की है और ओल्डर उसको रीड कर ले, क्या होगा इससे, ये देखो इसने अगर लेट से 20 राइट किया, इसने रीड कर लिया 20, कर लिया जी, तो हम मान के क्या चल रहे हैं, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि जो ट्रांजेक्शन पहले आई है वही पहले कंप्लीट होगी, तो यानी ये तो कंप्लीट हो जाएगी, इसने 20 को रीड किया, कंप्लीट हो गई, कमिट हो गई, और ये लेट सपोज फ्यूचर में जाके फेल हो गई, और अगर ये फेल हो गई तो रोल बैक हो गई, तो व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ 20, ये 20 कहां पे है, ये 20 कहीं पे है ही नहीं, तो ये तो गलत डेटा पे काम कर गई ना, तो इसी को ही तो हम बोल रहे हैं क्या, यही तो है आपकी डर्टी रीड काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें हम मान के चल रहे हैं कि आपने ओल्डर को ही प्रायोरिटी देनी है, जो पहले आया उसी को ही हमने देनी है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि रीड के करना नहीं, हम तेरे को रीड नहीं करने देंगे, तो तू रोल बैक हो जा, तो हम इस केस में भी T1 को रोल बैक कर देंगे। ये दोनों केस आपको याद होने चाहिए। थर्ड केस, T1 T2, वही सेम केस है, 100 200। अब T2 ने लेट से पहले ही राइट कर दिया और T1 बाद में राइट करना चाहती है सेम वेरिएबल पे, याद रखना हमेशा मैं A ही लेके चल रहा हूं, अगर आप B ले रहे हो तो B ही लेना, A B मत लेना, क्योंकि A B में तो कभी भी कंफ्यूजन होगी नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। लेट से T2 ने, यंगर ने राइट किया और उसको ओवरराइट करना चाहती है ओल्डर, तो अगर ओल्डर ओवरराइट करके चली जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ये तो अपना चली जाएगी कमिट होके, और लेट्स सपोज अगर ये फ्यूचर में जाके फेल हो गई तो मेरी जो अपडेशन है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, तो हमने इसको भी नहीं होने देना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, T1 को रोल बैक कर देंगे कि T1 तू रोल बैक हो जा, हम तेरे को अलाउ नहीं कर रहे। तो इस केस में तीनों केसेस आपको पता होने चाहिए, तीनों केसेस आपको याद होने चाहिए। हाँ, अगर रीड पहले ओल्डर कर रही है और यंगर बाद में आके राइट कर रही है या रीड कर रही है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको होने देते हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं जो ट्रांजेक्शन पहले आई है वही पहले कमिट होगी, ये मान के चल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन है कि जो ट्रांजेक्शन पहले आई है वही पहले कमिट होगी। अगर आप ये नहीं मानोगे तब तो आपको बाकी वाले केसेस में भी प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन ये तीनों केस आपको मान के चलने हैं। उसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन है ना और ये यंगर ट्रांजेक्शन है, तो ये प्रोटोकॉल हमेशा क्या बोलता है कि ये सीरियलाइजेबिलिटी कैसे फॉलो करता है, T1 गोज टू T2, हमेशा एक ही सीरियलाइजेबिलिटी फॉलो करेगा कि ओल्डर पहले हो और यंगर बाद में कमिट हो, तो T1 गोज टू T2 को हम क्या बोल रहेंगे कि इस तरीके से ये सीरियलाइजेबिलिटी को, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो करता है। तो इसीलिए हम हमेशा किसको कह रहे हैं कि अगर यंगर ने किया कुछ भी, यंगर ने अगर रीड किया या यंगर ने राइट किया, यहां पे यंगर ने रीड किया, यहां पे यंगर ने राइट किया, और ओल्डर बाद में आके राइट या रीड परफॉर्म करना चाहती है, तो हमने उसको परफॉर्म करने नहीं देना। आप अगर बुक से देखोगे, कोई भी मटेरियल से देखोगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, हमेशा स्टूडेंट इसको क्रैम करने लग जाते हैं, बिल्कुल क्रैम मत करना, एक ही छोटा पॉइंट है, ये रूल आपको दिखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन ये रूल जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा आपको कुछ भी नहीं लगेगा, हमेशा ये
तीनों केसेस याद रखना कि अगर ओल्डर ने यंगर ने अगर रीड राइट किया और ओल्डर बाद में आके उसको रीड और राइट करना चाहती है तो हमने उसको अलाउ नहीं करना। बस ये कॉन्सेप्ट है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का। तो हम इसके बाद जो है एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल से आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने रूल्स को अप्लाई करना है। थैंक यू।